डॉक्टर साहब, जैसे अभी स्नेक हेड के ऊपर फार्मर को इनवाइट करना हो तो स्नेक हेड के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कितना इसका स्कोप है कि स्नेक हेड के ऊपर अगर हम लोग कन्वर्ट होते हैं तो हमें कितना इकॉनमी को क्या फ़र्क आएगा और हमारा यानी कि फार्मर कितना स्ट्रॉन्ग होगा या हमारे जो जितना भी फार्मर है इसमें इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व होना चाहिए तो उसे क्या बेनिफिट हैं नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मिंग के हवाले से। देखिए, मैं स्नेक हेड को एक एक्सपोर्टेबल ब्रीड समझता हूँ। ठीक है, इसको मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसकी यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड है और सबसे ज़्यादा इसको मार्केट में प्रोवाइड या एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ में वियतनाम और थाईलैंड है, तो वो भी एशियन कंट्रीज़ हैं, हम इस पर काम कर सकते हैं। सिर्फ इशू ये है कि मार्केट में इसका एक बड़ा हेल्दी सीड अवेलेबल नहीं है, हम इसे इम्पोर्ट कर नहीं सकेंगे, कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हमें ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हमने इसे परचेज़ करने की बजाय हमने इसको ब्रीड करने की तरफ आना है ताकि लोकली मार्केट में अवेलेबल हो, कस्टमर की एक्सेस में हो और मैं इसकी रेयरिंग करें, गुड रिजल्ट्स लें। अगर मैं इसकी कंपैरिजन अगर मैं आपको कंपेयर करवाऊँ तो जो हमारे पास कार्प्स हैं या हमारे पास तलापिया है उसके मुकाबले में ये बहुत ही हार्ड है, बहुत टफ है। इसकी रेयरिंग बड़ी आसान है, इसकी स्टॉकिंग डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हम इससे बड़ी अच्छी एक यील्ड ले सकते हैं, इसकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है और फिर सबसे बड़ी बात कि इसका टेस्ट बहुत डिलीशियस है। तो हम इसकी अगर इस रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, हम लोग इस पर फार्मिंग करना चाहे तो हम बड़े अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। सिर्फ बात इस बात की है कि हमें इसको प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसके सीड को इम्पोर्ट करने के बजाय इसकी फार्मिंग करने की तरफ आना है। पर शुरू में तो एक मरतबा इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और इम्पोर्ट के हवाले से शुरू में तो आप लोगों को, क्योंकि पायनियर्स हैं आप लोग, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो फार्मर के लिए करना पड़ेगा कि आप उन्हें सीड जो इम्पोर्टेड सीड है वो मंगवा के दें, ताकि जो मार्केट में मोस्टली चलता है कि जो चीज़ बताई जाती है वैसा होता नहीं है, क्योंकि आप लोग इस फील्ड के प्रोफेशनल हैं तो उसके हिसाब से आप फार्मर के लिए कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ पॉसिबल है कि सीड आप उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं आप लोग। देखिए, जहाँ तक बात है सीड को इम्पोर्ट करने के, तो वी आर वेरी वेलकम टू द फार्मर्स कि हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर फार्मर हमसे डिमांड करता है तो हमें हर तरह की कोऑर्डिनेशन देने को तैयार हैं। बात सिर्फ इतनी है कि एक दफ़ा सीड को मंगवा के उसके पैरामीटर्स को पूरा रखना सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी फार्मिंग में सबसे टफ जो काम होता है वो नर्सरी लेवल पर इसकी फीडिंग होती है, जब इसे हम ट्रेन करते हैं। बज़ाहिर ये फीडिंग पे नहीं आता, ये फार्मुलेटेड फीड पे नहीं आता, ये ट्रैश फिश पे जाता है या नेचुरल फीड पर फीड करता है। हमने इसके फीडिंग बिहेवियर को चेंज करना है, जो कि इनिशियल डेज में ही पॉसिबल है। अगर हम उस टाइम में थोड़ी स्ट्रगल करें, हम उस टाइम को इजीली कैरी कर सकें, तो हम इसकी एक बहुत अच्छी ब्रीड निकाल सकते हैं, हम इसको लोकली प्रोवाइड कर सकते हैं। जिन लोगों ने किया है वो मार्केट में अभी भी फार्मिंग कर रहे हैं, मेरे कुछ फार्मर हैं बहावल नगर एरिया में, वो बड़ी अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं इसकी। और जैसा कि ये देखें कि इसका रेट बाकी फ़िश की नस्बत बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसी हॉट आइटम है कि अगर आप मंडियों में भी चले जाएं तो आपको लिमिटेड स्टॉक मिलता है, तो इसमें अभी आपके हिसाब से कितनी स्पेस है कि आप इसमें काम करते हैं तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। देखें, जहाँ तक बात है पाकिस्तान के अंदर इसकी स्पेस की, तो एक बहुत ह्यूज डिमांड है, कस्टमर इसको बाय करना चाहता है। और अगर आप बात करें, हम देखें अभी हम इंडियन कार्प हम अपने रहू और थैला से बाहर नहीं निकले हैं, हम लोग इसको प्रोसेस नहीं कर सकेंगे, हमने प्रोसेसिंग की तरफ जाना है ताकि हम अपने पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की तरफ जाएं, मतलब उसको सेव कर सकें। उसके लिए हमें इस ब्रीड की तरफ आना बहुत ज़रूरी है, हमें पंगासिस की तरफ जाना ज़रूरी है, हमें सॉल की तरफ जाना ज़रूरी है। हमने तलापिया कुछ साल पहले ही पालनी शुरू की है और हम लोग अभी भी उस पीक रिजल्ट्स पे नहीं पहुंचे हैं जो एक्चुअल में वो ब्रीड डिज़र्व करती है। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जस्ट इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम अगर इस पर काम करते हैं तो दिल जमी से काम करें। और जैसा कि आप देखते हैं कि अभी मार्केट में यानी कि अभी मेरे नॉलेज में जो है कि पूरे पाकिस्तान में अभी हमारी हज़ारों या लाखों की तादाद में फार्मर है, पर मेरे नॉलेज में अभी तक पूरे पाकिस्तान में 3 फार्मर इसके ऊपर स्नेक हेड या सॉल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आगे आने वाले टाइम में आप सॉल की फीड मार्केट कब तक कर देंगे, जो शुरू में हम लोग एज ए उसको ट्रेन करने के लिए
میش فیڈ جس کا کام آپ ابھی کر رہے ہیں؟ جہاں تک میش فیڈ کی بات ہے تو ہم اس پہ اپنے ٹرائل پچھلے سال مکمل کر چکے ہیں. مارکیٹ میں ہماری فیڈ اویلیبل ہے, اگر کوئی لینا چاہے تو ہم اسے پرووائڈ کر سکتے ہیں, لیکن وہ فیڈ آن ڈیمانڈ ہوتی ہے. جہاں تک بات ہے فارمر کے پاس ڈیزائرڈ سیڈ کی, تو اگر اس کے پاس ٹرینڈ سیڈ ہے یا وہ ٹرین کر سکتا ہے تو ہم اسے ہر طرح کی ہیلپ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. بات صرف اس کے مطلب اس کی ٹریننگ کی ہے جو فارمر خود کرتا ہے. ہمارے پاکستان میں ٹرینڈ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کی فارمنگ کرتے ہیں جو ایزی ہوتا ہے یا جس جو ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. اگر میرا کوئی دوست فارمنگ کر رہا ہے تو مجھے سمجھ آ گئی, میں نے فارمنگ اسٹارٹ کر دی. اگر میرے علم میں نہیں ہے تو میں محنت نہیں کروں, اس کے لیے محنت بہت ضروری ہے. اور جیسا کہ آپ باہر مختلف ممالک میں آپ خاص طور پہ فش کے حوالے سے ٹریول کرتے ہیں, جی تو آپ نے آبزرو کیا کہ ہم پاکستانی بھی ان کی طرح کام کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ لاسٹ ٹائم ابھی تھائی لینڈ گئے ہوئے تھے, تو وہاں پہ آپ کا ٹور تھا, کمپنی ٹور تھا. پہلے میں ویتنام میں تھا, ہاں جی, پہلے نیپال کا وزٹ ٹرائی میرا. جسٹ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں کہ وہاں پر اسپیشی کی فارمنگ کیسے ہوتی ہے, وہ اپنی ایکسپورٹ کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں, ان کی وہاں پہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی کیا ریشو ہے. جسٹ کمپیریٹیو اسٹڈی تھی, اور ہم ان تمام اسٹینڈرڈس کو میٹ کر سکتے ہیں. بہت ساری انٹرنیشنل مارکیٹ اویلیبل ہیں جو ہماری پروسیس فش کو لینا چاہے گی. بات صرف اتنی ہے کہ ہم وہ ڈیزائر ریکوائر ان کی جو ڈیمانڈس ہیں, ان کے پیرامیٹرس ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا اگر کر سکیں تو ہم لوگ ایکسپورٹ کرنے کے قابل رہیں گے. ابھی تک ہمارے پاس پاکستان میں فش کے پروسیسنگ پلانٹ نہیں ہیں, کچھ لگ رہے ہیں جو ابھی ورکنگ میں نہیں آئے, تو ہم ابھی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکیں. اور آپ نے کیا آبزرو کیا کہ ہم ایز اے پاکستانی یعنی کہ اس فیلڈ میں اگر آتے ہیں تو ہم اس کو کر سکتے ہیں ایزیلی, یا آپ کے حساب سے آپ کیونکہ باہر ابھی موو کر کے ہیں, تین چار ممالک میں گئے ہیں, تو آبزرویشن آپ کی کیا ہے کہ اتنا مشکل کام, بہت زیادہ مشکل کام ہے, اس وجہ سے بھی پاکستانی کر رہے, یا اس میں پاکستانی انوالو نہیں ہو رہے, یا اویئرنیس نہیں ہے؟ بات اس میں آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے. انوالومنٹ اور اویئرنیس کی سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے. ہماری کوئی بھی یونیورسٹی ایکوا نیوٹریشن پہ کام نہیں کر رہی ہے. ہم لوگ ابھی بھی فشریز پہ کام کرتے ہیں, اور فشریز میں ہمارے پاس ہر بریڈ آتی ہے, لیکن کوئی اسپیسیفک بریڈ جس پر ہم اسٹڈی کر سکیں, اپنے سائنٹیفک ریسرچ کر سکیں, وہ اویلیبل ہیں. کچھ یونیورسٹیز ہیں لائک یواس کروا رہی ہے, یو ایف کروا رہی ہے, اس میں کالج یونیورسٹی کروا رہی ہے, لیکن اس کو بڑھنا چاہیے تاکہ ایک تو امپلائمنٹ پیدا ہو. جہاں تک بات ہے کہ ہم اپنے اسٹینڈرڈس کو کمپیٹ کر سکتے ہیں, ڈیمانڈ بڑھ سکتی ہے, ضرورت سے اس بات کی ہے کہ ہم محنت کریں, اس پر ریسرچ کریں, اور اپنے جو اپنی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے پاکستان میں جو امپورٹ ہوتی ہے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑی اچھی انفارمیشن آپ سے ملی, اور یہ انفارمیشن جب ہم لوگوں میں شیئر کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ لوگ تو موو ہوں گے ہماری اس کاوش پہ.